नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज एन एंटी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास एम इज फाउंड टू अप एट अ रेट ऑफ जी बाई सीप इनसाइड वाटर सवाल है हाउ मच सैंड शुड बी पुट इन साइड द बॉक्स सो दैट सो दैट इट मे एक्सलेट डाउन एट अ रेट ऑफ जी बाई सिक्स ना सिंपल सवाल है सो स्नैरियो ये है कि ये अपना पानी और यहाँ पे आपका ब्लॉक जिसका मास एम और इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे अगर आपका एफ बने तो ऊपर आपका बाउंसी फोर्स आया और नीचे आपका एम आया और हमने नोटिस किया है कि ऊपर ए एक्सलेशन से जा रहा है जिसको हमने जी वाई सिक्स यहाँ पर दिया हुआ है हमें ठीक है ना ये आपका केस वन हो गया तो इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो केस वन जो है आपका आ, उसकी इक्वेशन हो गई बी माइनस एम जी एक काम करते हैं इसको एम वन कह लेते हैं ठीक है सो बी माइनस एम वन जी इज़ इक्वल टू एम वन ए सो ये हो जाएगा एम वन मल्टीप्लाइड बाय जी बाय सिक्स सो विच एम्प्लाइज़ बी विल बी इक्वल टू एम वन उधर ले जाते हैं एम वन कॉमन हो जाएगा वन प्लस जी बाय सिक्स यानी कि विच एम्प्लाइज यहाँ लिख लेते हैं विच एम्प्लाईज़ बी की वैल्यू हो गई सेवन बाय सिक्स एम वन जी ठीक है यह आपकी पहली क्वेश्चन आ गई नाउ हमने क्या किया केस टू में Uh, इसमें से कुछ सैंड आपकी ऐड कर दी एम टू लेट से हमने इसमें ऐड कर दिया अब आपका नेट एक्सलेशन जो केस टू है वो नीचे की डायरेक्शन में जी बाय सिक्स हो गया ये अपने को दिया हुआ है कि एक्सलेशन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में हो गया ना उस केस में अगर हम एफ बी डी बनाए एक बार फिर सो आपका केस टू जो है उसका एफ बी डी बनाए तो एफ बी डी में यह आपका ब्लॉक नीचे उस पर लग रहा है एम वन प्लस एम टू जी ऊपर आपका बायोन्सी फोर्स लगेगा और बायोन्सी फोर्स आपका सेम रहेगा बिकॉज आपने उसके अंदर सैंड भरी है उसका सरफेस एरिया या उसका वॉल्यूम आपने चेंज नहीं किया है तो इस बायसी फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा और आपका एक्सलेशन नीचे की डायरेक्शन में हो गया जी बाय सिक्स तो इसकी अगर इक्वेशन लिखें तो इसकी इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाय जी माइनस बी विल बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू ए और यहाँ हमें एम टू की वैल्यू बतानी है ना इसको अगर एम टू के लिए सॉल्व कर लें पहले तो ये हो जाएगा आपका एम वन जी ये वाला और अच्छा ए जो है उसकी वैल्यू भी अपने को पता है तो एम वन जी प्लस इसको इधर नहीं ये माइनस आएगा माइनस बी और ये आएगा माइनस एम वन ए विल बी इक्वल टू एम टू की उधर ले जाए सो ये बनेगा एम टू आपका ए माइनस जी ऑल बस डेटा यहाँ पे रखना है आपने को तो एम वन मल्टीप्लाइड बाय जी बी की वैल्यू ऑलरेडी आ गई ये हो गया आपका सेवन बाय सिक्स एम वन जी माइनस ए एम वन ए तो ये हो गया आपका एम वन मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू है आपकी जी बाय सिक्स विल बी इक्वल टू एम टू ए है आपका जी बाय सिक्स माइनस जी सो so, uh, यहाँ से m1 जो है वो कॉमन ले लेते हैं g कॉमन ले, ले लेते हैं इनफैक्ट g तो कैंसल हो जाएगा सो so ये बचा आपका 1 माइनस सेवन बाय सिक्स माइनस वन बाय सिक्स हालांकि विल बी एक्ल टू m2, टू uh, जी फिर कॉमन आ जाएगा ये बचा आपका वन बाय सिक्स माइनस वन जी जी विल गेट कैंसल तो आपका m2 जो है वो हो जाएगा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं पहले सो आ गया M1 Uh, ये बचा सेवन बाई सिक्स माइनस वन बाय सिक्स यानी कि एट बाई सिक्स माइनस वन यानी कि ये बचा आपका माइनस टू बाई सिक्स है ना विल बी इक्वल टू एम टू और यहाँ पे बचेगा आपका फाइव uh, 6 सिक्स right? so, है ना uh, सो अच्छा, uh, तो आपका एम टू जो है वो हो गया अच्छा यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा माइनस साइन आ रहा है यहाँ भी माइनस साइन विल गेट कैंसिल तो आपका एम जो है वो हो गया टू बाय ऑफ एम सो दैट वुड भी हर फाइनल आंसर तो हमें कितनी सेंड डाल दिए तो टू बाई फाइव ऑफ द ओरिजिनल मास जो उतनी सेंड डाल देंगे सो so आपका स्नैरियो अचीव हो जाएगा